भी मैंने आपको बताया कि ये आपके पास कितने मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब जब 5 मार्क्स का मतलब क्या होता है कि बेटा ये दो बैटल्स मिलाकर आपके पास आएंगी। अब हम बात कर रहे हैं कॉजेस की। कॉजेस में आप ये बताओगे कि बैटल ऑफ मुता किसके खिलाफ हुई थी बेटा, रोमन्स के खिलाफ हुई थी, और ये बैटल कौन जीता था, मुसलमान जीते थे, और इसके अंदर क्रिश्चियंस के काफी लोग मरे थे, उनके 2 लाख लोग आए थे, हम सिर्फ 3,000 लोग, और हम ये बैटल जीत गए। क्रिश्चियंस को ये बात बता दी कि अब क्या हो रहा है, मुसलमान जो है वो तरक्की कर रहे हैं, और हमारे रिलीजन की तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी, क्योंकि क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियनिटी एक पुराना रिलीजन है, सही है, और क्रिश्चियंस अभी जो है, अभी सबसे ज्यादा जो दुनिया में है वो कौन है, क्रिश्चियंस है, सही है। तो अब जब क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा है तो क्रिश्चियंस को ये डर था कि इस्लाम आगे निकल जाए, तो उनका जो रोमन एम्पीरियर था हिराक्लस, उसने ये बात, उसको ये बात बता दी कि अगर आज हमने मुसलमानों को नहीं रोका तो कभी भी हम मुसलमानों को नहीं रोक पाएंगे, कभी भी हम मुसलमानों को हरा नहीं पाएंगे। इसकी वजह से उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि हमें इनके खिलाफ एक बैटल लड़नी चाहिए। तो बैटल ऑफ मुता में उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, क्रिश्चियंस कांट सी मुस्लिम्स प्रॉस्परिंग। हिराक्लस को ये बात का डर था कि अगर आज हमने इनको नहीं हराया तो कभी भी हम इनको नहीं हरा पाएंगे, तो बेहतर ये कि अभी हमारी इनकी फोर्सेस इतनी ज्यादा नहीं हुई है, इनको हरा दो। तो इसलिए बैटल हुई जिसका नाम था तबूक एक्सपीडिशन। अब तबूक एक्सपीडिशन के अंदर क्या हुआ, आप ये बताओगे, हिराक्लस की जो आर्मी थी वो इस दफा कम थी, कितनी थी, 40,000 से 60,000, पहले बैटल ऑफ मुता में थी 2 लाख और हम सिर्फ थे 3,000। अब आप ये बताओगे कि इसमें आर्मीज की कम थी, मुसलमानों को जैसे ही पता चलता है कि वॉर होने वाली है तो मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है। क्यों डिफिकल्ट टाइम होता है, कि उस वक्त चल रहा होता है फेमाइन। अब फेमाइन से क्या मसला है बेटा, फेमाइन का मतलब ये है कि आपके क्रॉप्स नहीं उग रहे, और जब क्रॉप्स नहीं उग रहे तो फूड शॉर्टेज थी। दूसरी बात आप क्या बताओगे, हार्वेस्टिंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम आया हुआ था। हार्वेस्टिंग टाइम से क्या मसला था, देखो वैसे ही फूड शॉर्टेज थी, क्रॉप्स में हार्वेस्टिंग का मतलब होता है क्रॉप्स को कट करना, क्रॉप्स को कट करने का टाइम आया हुआ था, फूड शॉर्टेज ऑलरेडी थी। अब लोगों ने कहा कि हम बॉल लड़ने जाएं या फिर हार्वेस्टिंग करें, क्योंकि अगर हमने हार्वेस्टिंग नहीं करी तो ये फसल भी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ये डिफिकल्ट टाइम था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, गर्मी क्या थी, बहुत ज्यादा, और हिपोक्रेट्स क्या कर रहे थे, मुनाफिकीन डिमोटिवेट कर रहे थे, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम। अब प्रॉफिट ने अपनी आर्मी गैदर करी, और कितनी आर्मी गैदर करी, अप्रोक्सीमेटली 30,000 लोग गैदर करे, कितने लोग गैदर करे, 30,000 लोग। तो आप क्या बताएंगे कि प्रॉफिट ने अपनी आर्मी गैदर कर ली, हिपोक्रेट्स ने मना कर दिया कि हम बैटल नहीं लड़ेंगे। सर हिपोक्रेट्स ने क्यों मना कर दिया कि हम बैटल क्यों नहीं लड़ेंगे, तो हिपोक्रेट्स ने यह कहा कि हम इसलिए बैटल नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमारी गर्मी क्या है, बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए हम बैटल नहीं लड़ेंगे। तो जब बैटल मना कर दिया ना कि हम नहीं लड़ेंगे, तो क्या होता है कि एक वर्स आती है, और उस वर्स के अंदर कहा जाता है कि द फायर ऑफ जहन्नम इज मच हॉटर देन दे हैड अंडरस्टैंड। मतलब यह है कि जो ये आग है ना, जो जहन्नम की जो आग है, ये क्या है, ये ज्यादा गर्म है। अभी तुम लोग कह रहे हो ना कि गर्मी बहुत ज्यादा है, जिस दिन उसमें जलोगे ना दोजख के अंदर, तो पता चल जाएगा कि फायर ऑफ जहन्नम इज मच हॉटर देन दे हैड अंडरस्टैंड। तो ये बात होती है। अब आप क्या बताएंगे कि हमारे पास ये बातें जैसी होती है तो हिपोक्रेट्स क्या करते हैं, हिपोक्रेट्स काफी ज्यादा डिस्करेज हो जाते हैं, हिपोक्रेट्स क्या करते हैं, काफी ज्यादा डिस्करेज करते हैं, डिस्करेज होते नहीं है, डिस्करेज करते हैं, और क्या कहते हैं, कितनी गर्मी है, तुम लोग लड़ने जा रहे हो, फूड शॉर्टेज है, हार्वेस्टिंग टाइम है, क्यों लड़ने जा रहे हो। तो ये क्या कर रहे हैं, हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं, और हमारे पास सप्लाईज और आर्म्स क्या थी, बहुत ज्यादा कम थी। तो प्रॉफिट बोलते हैं कि आप लोग क्या करो, डोनेट करो ज्यादा से ज्यादा। तो जब प्रॉफिट डोनेट करने का कहते हैं, तो हजरत उमर सोचते हैं कि मैं इस दफा क्या करूंगा, इतना ज्यादा डोनेट कर दूंगा कि मेरी क्या होगी, वाहवाह हो जाएगी। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि उनको वाहवाह का शौक था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं इस दफा सबसे आगे बहुत ज्यादा डोनेट कर दूंगा। तो उन्होंने अपनी हाफ ऑफ दी वेल्थ क्या कर दी, डोनेट कर दी, और उनका थोड़ा सा कंपैरिजन हजरत अबू बकर के साथ होता था। मतलब ऐसा नहीं कि वो जेलस होते थे, वो सोचते थे कि हजरत अबू बकर इतना हमेशा इतनी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैं थोड़ी सी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा। तो हजरत अबू बकर ने अपनी हाफ ऑफ दी वेल्थ क्या कर दी, डोनेट कर दी हजरत उमर ने। हजरत अबू बकर ने अपनी पूरी वेल्थ डोनेट कर दी, और जब हजरत अबू बकर डोनेशन देने आए थे तो होली प्रॉफिट ने उनसे ये नहीं पूछा था क्या तुम लाए हो, उनसे ये पूछ गया था क्या तुम छोड़कर लाए।
बाकी सबसे तो ये पूछा था ना क्या डोनेट कर रहे हो, हजरत अबू बकर से पूछा था क्या छोड़कर लाए हो, तो उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ अल्लाह और अल्लाह पे ईमान और अपने प्रॉफिट का जो भरोसा है वो क्या करके आया हो, छोड़ के आया हो, बाकी सब क्या कर दिया था, डोनेट कर दिया था। हालांकि अगर मैं क्वांटिटी वाइज देखूं तो हजरत उमर का हाफ भी क्वांटिटी में ज्यादा था, लेकिन परसेंटेज वाइज किसका ज्यादा था, हजरत अबू बकर का। हजरत अबू बकर ने 100% क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। हजरत उस्मान की बहुत ज्यादा डोनेशन थी, 900 कैमल्स उन्होंने डोनेट करे, 100 हॉर्सेस डोनेट करे, 1000 दिनार्स डोनेट करे एंड 200 ounces ऑफ गोल्ड डोनेट करे। और प्रॉफिट ने कहा था फ्रॉम दिस डे नथिंग विल हार्म उस्मान रिगार्डलेस ऑफ व्हाट ही डज। तो उस्मान को इस दिन के बाद कोई भी जो है वो तंग मतलब कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी। देन क्या होता है कि मुस्लिम्स उनके ऊपर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं। और जब मुसलमान बहुत ज्यादा डोनेशन देते हैं तो हिपोक्रेट्स उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो सच्चे मुसलमान होते हैं वो उनको इग्नोर करते हैं। अब क्या होता है कि प्रॉफिट ने अपनी सारी डोनेशंस गैदर कर ली, वहां पे 30,000 की आर्मी जमा कर ली, उनके 40,000 से 60,000 लोग थे, और प्रॉफिट अब आर्मी निकलने वाली है। जैसे ही आर्मी निकलने वाली है तो प्रॉफिट कहते हैं कि हजरत अली इस बैटल में नहीं आए। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि हजरत अली किसका ख्याल रखेंगे, प्रॉफिट की फैमिली का ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये बैटल कहाँ पे हो रही है, मदीना से बाहर हो रही है। और कौन नहीं आएगा, मोहम्मद बिन मसलमा नहीं आएंगे। मोहम्मद बिन मसलमा को मदीना का चार्ज दे दिया गया था और कहा गया था कि आपने इधर की ख्याल रख। 30,000 की आर्मी जो लोग है वो क्या कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं तबूक की तरफ, प्रॉफिट उसको लीड कर रहे हैं। प्रॉफिट जब लीड कर रहे हैं तो हजरत अली उनको चेस कर रहे होते हैं। जैसे ही हजरत अली चेस कर रहे होते हैं तो हजरत अली को प्रॉफिट रोकते हैं और प्रॉफिट को कहते हैं कि जैसे हजरत मूसा को हजरत हारून थे, वैसे तुम भी क्या हो, मेरे साथ हो। लेकिन बात यह है कि आपने क्या करना है कि आपको मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तबूक में आपका आना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली का केयर रखना किसकी जरूरत है, मेरी जरूरत है, मैं आप पे भरोसा रखता हूँ, तो आप काइंडली उधर रुके। तो उन्होंने उनको रोक लिया। शॉर्टेज ऑफ कैमल्स थी, शॉर्टेज ऑफ फूड थी, शॉर्टेज ऑफ वाटर थी, तो हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट कंडीशंस थी। आप ये बताओ कि शॉर्टेज ऑफ वाटर थी तो प्रॉफिट ने दुआ करी और अल्लाह ताला ने क्लाउड भेजा, जिससे क्या हो गई, बारिश हो गई। जैसे ही प्रॉफिट तबूक पहुंचे तो रोमन्स डर गए। क्यों डर गए, इसलिए डर गए क्योंकि आपको पता है कि बैटल ऑफ मुता के अंदर हम सिर्फ कितने थे, 3,000, और हम वो कितने थे, 2 लाख, फिर भी वो लोग हार गए थे। इस दफा हम लोग 30,000 थे और वो लोग सिर्फ कितने थे, 40 to 60,000, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं था। दैट्स व्हाई दे डिडंट शो अप फॉर वॉर एंड दे एग्रीड टू पे जिजिया टैक्स, और उन्होंने कहा कि हम जिजिया टैक्स पे करेंगे। एंड दिस वॉज द लास्ट वॉर, और इन्होंने ये कहा कि हम जो है इस अब प्रॉफिट की लैंड्स पर और मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा नहीं करेंगे। किसने कहा, रोमन्स ने कहा, माफी मांगी और जिजिया पे करने के लिए एग्री कर लिया। आउटकम्स के अंदर आप क्या बताएंगे कि प्रॉफिट मदीना आते हैं। आउटकम्स के अंदर आप बताएंगे प्रॉफिट 80 हिपोक्रेट्स को माफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 80 हिपोक्रेट्स को माफ कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ। लेकिन तीन आपके पास जो है बिलीवर्स होते हैं, तीन बिलीवर्स, उनको प्रॉफिट माफ नहीं करते और कहते हैं कि मैं तुम लोगों को माफ नहीं कर सकता क्योंकि तुम लोग सच्चे इंसान थे, फिर भी तुम लोग किसमें नहीं आए, तुम लोग जो है वो लड़ने नहीं आए, तुम लोगों ने हमें धोखा दिया। और वो तीन बिलीवर्स कौन थे, काब बिन मालिक, मुरारा बिन अर्रबी एंड हिलाल बिन उमैया। ये तीन को प्रॉफिट माफ नहीं करते। और जब प्रॉफिट तीन को माफ नहीं करते तो उसके बाद क्या होता है कि उम्मे सलमा उनसे, जो उनकी वाइफ होती है, वो रिक्वेस्ट करती हैं, एंड आफ्टर 50 डेज वर्सेस ऑफ सूरह तौबा वर रिवील्ड, एंड देन प्रॉफिट उनको क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। एंड दीज वर दी आउटकम्स ऑफ तबूक एक्सपीडिशन। तो होपफुली आप लोगों को तबूक एक्सपीडिशन समझ आ गया।